हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। माई सेल्फ राहुल निषाद, करियर पॉइंट डन में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, अभी आप जान रहे हो कि अभी आप लोग का मिड टर्म का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो सभी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम लोग मिड टर्म का एग्ज़ाम ऑनलाइन कैसे देंगे, ठीक है। तो देखो, पॉलिटेक्निक के कॉलेज में जो अभी अपने कॉलेज में एग्ज़ाम हो रही है, ठीक है, तो उस कॉलेज में जो आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, उसके लिए आपको गूगल फॉर्म पर क्वेश्चन भेजा जाएगा, ठीक है। तो गूगल फॉर्म पर क्वेश्चन भेजा जाएगा आपको, तो एक सिंपल सा एक लिंक दिया जाएगा, ठीक है। उस लिंक को आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ओपन करना है, और आप देखोगे गौर से कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपको मान लो ईमेल आईडी मांग रहा है, ईमेल आईडी देना, नाम मांग रहा है, ब्रांच मांग रहा है, बोर्ड रोल नंबर मांग रहा है, क्लास रोल नंबर मांग रहा है, ठीक है, ये सब पहले फुलफिल अच्छे से करना, ठीक है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे भी रह सकते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में आपको सिंपल नाम रहेगा, उसके बाद आगे आपको देन क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको टाइमर सेट रहेगा, मतलब 1 आवर का टाइम, ठीक है। और किसी किसी क्वेश्चन में भी आपको हो सकता है कि टाइमर सेट ना भी हो, बट आपका एग्जाम 1 घंटा का ही होगा, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और ये 20 तारीख से चालू हो रही है एग्जाम और 27 तारीख को आपको खत्म हो रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान ये देना है कि सबसे पहले आप अपना जाकर जो आपको एग्जाम का रूटीन है उसमें जाकर देखें कि आपका एग्जाम कितने बजे से है, ठीक है, और कौन कौन डेट के हैं। उतने बजे उतने डेट को आप बिल्कुल रेडी रहें अपने घर पर या जहाँ भी हो वहीं पर, ठीक है, और बिल्कुल आप लिंक का इंतज़ार करें। और आपके जो बैचमेट जो ना जुड़े हुए उन्हें भी आप ग्रुप में जोड़ने के लिए जितना जल्दी रिक्वेस्ट कहेंगे ताकि वो जुड़ जाए, ताकि उनके पास भी ये चले जाए, ठीक है। और उसके बाद आपको जैसे ही लिंक मिलेगा, लिंक क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके अपने टाइम पर आपके अपने ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करोगे, जो भी आपको फॉर्मेट खुलेगा सामने में, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपका जो मोबाइल है ना, उसमें ईमेल आईडी जो आपका होता है ना, हर मोबाइल में क्या होता है कि पहले ईमेल आईडी मांगा जाता है, ठीक है, पहले से ही आपके मोबाइल में ईमेल आईडी रखते हैं, तभी तो आपको गूगल प्ले स्टोर वगैरह सब कुछ भी ऐप डाउनलोड करते हो, ठीक है। तो ईमेल आईडी आपका जो वेरिफिकेशन होता है मोबाइल का, वो हो जाना चाहिए पहले से, ठीक है, तब आपके लिए बेटर होगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, हालांकि रहता है, ठीक है। और जब आप इसे एग्ज़ाम दोगे तो आफ्टर वन आवर जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा, जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में टाइमर लगे होंगे वो अपने आप बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबमिट आपका पहले कर लेना, ठीक है, अच्छे से सबमिट कर देना, और सबमिट कर देना, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आपने देखना किस तरह का, एक दिन का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, देना अगले दिन आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली एंड फाइनली हम यही कहना चाहते हैं कि आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, लिंक ओपन करेंगे, आपको डिटेल वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, नाम, रोल नंबर, बोर्ड रोल नंबर, क्लास रोल नंबर, ठीक है, ब्रांच, ये सब फुलफिल करेंगे। देन अगर आपको ये सब दिखते हैं तो ठीक है, बराबर में से कुछ ऑप्शन दिखेंगे, कुछ नहीं भी दिखेंगे, ठीक है। और फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको टाइमर सेट भी रहेगा, किसी किसी में नहीं भी रहेगा, तो ध्यान रखनी है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। टाइमर सेट है तो आपको उस टाइम के अंदर बनाना है, टाइमर सेट नहीं थोड़ा सा देर चल सकता है, बट आपको उतना देर के अंदर ही बनाकर जमा भी करनी है, ठीक है, ओके, समझ में आ गई। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि टाइम टेबल का आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है, टाइम टेबल का जरूर ध्यान रखें, ठीक है, और रूटीन जो क्लास जो आपको एग्जाम का रूटीन है उस पर जरूर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई इसी तरह की कोई दिक्कतें हो तो आप कमेंट करना इस वीडियो में, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्यूरेट कर देंगे, ओके, चलिए, ठीक है, थैंक यू।